हेलो स्टूडेंट, देखिए रॉयल्टी जो वाला चैप्टर जो अपना चल रहा है उसके अंतर्गत अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरल एंट्रीज कैसे होगी। मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी में दो पक्षकार होते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स में दो पक्षकार होते हैं। एक तो होता है लैंडलॉर्ड पट्टेदाता, जो अब पट्टा देता है, मालिक होता है, भूस्वामी होता है। और पहले अपन सारी उसकी बात कर रहे हैं जैसे एक तरीके से खान संबंधी या उस समय की उस टाइप की। तो वो होता है जो खान, एक तरीके से ये मान लीजिए जो खान जिसने दी वो पट्टेदाता है और जिसने ली वो पट्टेदार है, लेसी। तो उनकी बुक्स में एंट्रीज कैसे होती है वो देखिए। अब आप एंट्रीज के अंतर्गत जब न्यूनतम किराए का प्रावधान ना हो, अगर मिनिमम रेंट का प्रावधान नहीं हो, जब मिनिमम रेंट का प्रावधान नहीं होगा तो फिर बिल्कुल सिंपल है, जितना माल वो प्रोडक्शन या निकालेगा खान में से या जितना उत्पादन करेगा या जितनी बिक्री करेगा उसके आधार पर जितनी रॉयल्टी बनेगी बस वही लेसी लैंडलॉर्ड को देगा। इसमें तो सिंपल है, पहली एंट्री होगी फॉर द रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए इन द बुक्स ऑफ लेसी और इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। मैंने आपको इस तरह का ये बना दिया है। इसमें देखिए फॉर रॉयल्टी, रॉयल्टी के लिए एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को देनी है, पैसा देना है और रॉयल्टी इसके लिए खर्चा है, इसलिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसकी बुक्स में उसका अपोजिट एंट्री हो जाएगी कि लेसी को देनदार बनाएगा ये कि देने वाला है और रॉयल्टी रिसीवेबल है इसको, इसको प्राप्त होने वाली है। यहाँ नरेशन लिखेगा रॉयल्टी ड्यूज, ये लिखेगा रॉयल्टी रिसीवेबल। फिर फॉर पेमेंट, जब पेमेंट होगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये इसका जस्ट अपोजिट। फिर ट्रांसफर एट द एंड ऑफ ईयर, ये रॉयल्टी को जो खर्चा हुआ है रॉयल्टी एक तरीके से उसको पी एन एल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो पी एन एल अकाउंट के डेबिट में टू रॉयल्टी और रॉयल्टी इसके पी एन एल अकाउंट के क्रेडिट में बाई रॉयल्टी रिसीवेबल। तो बिल्कुल सिंपल जो जनरल एंट्री अपने डबल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर जो बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्रीज होती है, हर साल ये तीन तीन एंट्रीज हो जाएगी। 5 साल का पट्टा है तो 5 साल तक लगातार होगी, 3 का है तो 3 साल तक होगी। वही पहली एंट्री फॉर रॉयल्टी, दूसरी पेमेंट के लिए, तीसरी पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो वेरी सिंपल है ये। तो अब आता है बात कि जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो एवं लघु कार्य राशि वसूली का अधिकार भी हो। मतलब अभी तक तो अपन ने पहली परिस्थिति ये थी जिसमें मिनिमम रेंट का प्रावधान नहीं हो। अगर मान लीजिए मिनिमम रेंट का प्रावधान हो कि भाई कम से कम आप चाहे काम करो चाहे नहीं करो, पट्टेदाता अगर ये कहता है कि मेरे को तो इतना पैसा देना ही पड़ेगा आपको, और फिर उन दोनों के जो आपस में तय हो जाता है, तो वो वाली बात है कि न्यूनतम किराए का प्रावधान हो और लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार भी हो। कि वो ये भी कह दे कि भाई ना, जब मैं आपको मेरा काम मैं कम करूँगा, जो मेरे शॉर्ट वर्किंग ईयर रहेंगे, क्योंकि शुरू के सालों में मुझे समझने में हो सकता है टाइम लगे और मैं उतना उत्पादन या बिक्री नहीं कर पाऊँगा, तब भी मैं आपको मिनिमम रेंट जितना पैसा तो दूंगा। तो जो मैं ज़्यादा पैसा दूंगा, जितना मैंने काम आपके खान से माल नहीं निकाला उसका भी मैं दे रहा हूँ, तो क्या जब आगे मेरे अधिकार्य होगा, मतलब जब रॉयल्टी ज़्यादा बनेगी और मिनिमम रेंट कम होगा, तब क्या मैं उसको वसूल कर सकता हूँ, तो वो वसूल करने का अधिकार भी हो, तब क्या एंट्री होती है वो देखिए। एंट्रीज तो वही होंगी तीन, एक तो होगी रॉयल्टी के लिए, एक पेमेंट के लिए, एक ट्रांसफर के लिए। लेकिन वो परिस्थितियाँ अलग अलग होंगी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जनरल एंट्रीज में चेंज आएगा। जैसे ये है कि जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो, लघु कार्य राशि वसूल करने का अधिकार हो, तो फॉर रॉयल्टी। अब फॉर रॉयल्टी में तीन परिस्थितियाँ होंगी, 1, 2, 3। फॉर रॉयल्टी के मतलब एक ही एंट्री जो करनी है उसमें से तीन परिस्थितियों में से कोई से भी एक परिस्थिति होगी। या तो नंबर 1, जब रॉयल्टी जीरो होगी, जब रॉयल्टी जीरो होगी तो रॉयल्टी को का नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि रॉयल्टी चुकानी नहीं है, शॉर्ट वर्किंग ही चुकानी है एक तरीके से। जब आपका मिनिमम रेंट फिक्स हो गया कि 10,000 रुपये है और आपने रॉयल्टी कुछ भी नहीं हुआ है, जीरो हुआ है, 1 रुपया भी नहीं हुआ है, तो फिर सारी की सारी शॉर्ट वर्किंग ही चुकानी है लैंडलॉर्ड को। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एक तरीके से हमें नुकसान हो गया। मतलब एक तरीके से अगर मैं अपने आप को पट्टेदार मानता हूँ तो मुझे नुकसान हो गया कि मेरे रॉयल्टी तो बनी नहीं लेकिन फिर भी मेरे को चुकाना पड़ेगा, तो शॉर्ट वर्किंग ही हो गया सारा का सारा, ही शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। और मान लीजिए कि रॉयल्टी भी बनी लेकिन शॉर्ट वर्किंग भी हुआ, 10,000 रुपये देने हैं उसको तो तय हुआ है, लेकिन 7,000 की रॉयल्टी बनी, 3,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग होंगे, तो फिर रॉयल्टी भी डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट होगा, टू लैंडलॉर्ड होगा। और मान लीजिए अगर रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तो फिर शॉर्ट वर्किंग होगा ही नहीं, तो फिर रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, एक्सेस वर्किंग को नहीं दिखाते हैं, बस सीधा रॉयल, क्योंकि वो तो लैंडलॉर्ड तो जो दोनों में से ज़्यादा होगा ना वो लेगा, वो तो चाहे मिनिमम रेंट हो चाहे रॉयल्टी हो,
तो वो रॉयल्टी ज़्यादा होगी तो फिर वो एक्सेस वर्किंग कैपिटल नहीं दिखाएगा, वो सीधा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंड लोन। इन तीन में से एक साल में एक एंट्री होगी, या तो रॉयल्टी बिल्कुल जीरो ही होगी, या रॉयल्टी होगी थोड़ा बहुत शॉर्ट वर्किंग होगा, या रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट से ज़्यादा होगी तो ये होगी। इन तीनों में से कोई एक एंट्री होगी पर ईयर फोर, किसके लिए? रॉयल्टी के लिए। और इधर लैंडलॉर्ड की बुक्स में तो देखिए आप इसका उल्टा करना है, लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ तो लेसी डेबिट हो जाएगा, ये शॉर्ट वर्किंग है तो यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व है इसका नाम। फिर इसी तरह लैंडलॉर्ड ऊपर लेसी चला गया और ये रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग यहाँ आ जाएंगे, इसके लिए रॉयल्टी रिसीवेबल है और इसके लिए रॉयल्टी ये रिजर्व है। इसी तरह ये रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड है तो लेसी टू रॉयल्टी रिसीवेबल। ये फॉर रॉयल्टी, केवल रॉयल्टी के लिए एक एंट्री जो होती है इन तीनों में से कोई एक एंट्री हो जाएगी। फिर दूसरी एंट्री होगी फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए देखिए फॉर पेमेंट इन ऑल अबाउ केसेस, इन तीनों ही केसेस में लैंडलॉर्ड टू कैश या बैंक होगी, बस सिंपल एंट्री कि लैंडलॉर्ड को देना है टू कैश या बैंक। इसके यहाँ इसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड की बुक्स में कि कैश और बैंक इसको रिसीव होगा और लेसी देगा। फिर ट्रांसफ़र, ये तीसरी परिस्थिति, ट्रांसफ़र एट द एंड ऑफ ईयर, ट्रांसफ़र करने के लिए वही पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, वही करते हैं ना जैसे आपने इसमें देखा था ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, तो बस वही पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, क्योंकि इसके रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो रखा है तो जब पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होकर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसके जो लैंडलॉर्ड होगा इसके रॉयल्टी टू पी एंड एल हो जाएगी। फिर आता है नंबर, अब जो बात आ रही है कि क्या वसूल करने का अधिकार है, तो फिर क्या हुआ, तो रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अगर रिक्यूपमेंट है शॉर्ट वर्किंग का, वसूल करने का अधिकार और वसूल हुआ है, तो वही एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग पहले डेबिट हो रखी है ना, तभी तो वसूल करने का अधिकार होगा, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड को दे चुका देंगे एक तरीके से, शॉर्ट वर्किंग वसूल कर लेंगे। और ट्रांसफर टू अनरियलाइज वो होगा, अच्छा पहले देखिए, अब इन दोनों एंट्री के हम एक एंट्री भी कर सकते हैं, मैंने इस रेड से इसको शो कर रखा है, देखो कि लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू शॉर्ट वर्किंग, इन दोनों की एक एंट्री बना सकते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, कि लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपये देना है जिसमें 8,000 रुपये कैश दिया, 2,000 रुपये पुराने वसूल कर लिए, तो वो शॉर्ट वर्किंग में आ जाएंगे, तो इन दोनों की एक एंट्री कर सकते हैं। फिर पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, एक तो ये करी थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, और जो अनरियलाइज शॉर्ट वर्किंग होगा, अनरियलाइज शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है कि जो वसूल कर लिया वो तो कर लिया, अगर किसी को वसूल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने का अधिकार है या ख़त्म हो गया है तो उसको भी पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, इन दोनों की भी एक एंट्री कर सकते हैं, मैं इनको इसको रेड से शो कर रखा है कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, दो बार डेबिट नहीं करेंगे पी एंड एल को, एक ही बार डेबिट करके टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि तो एक ही दिन की एंट्री है एट द एंड ऑफ ईयर, तो इन दोनों की एक एंट्री कर सकते हैं। सेम इसके यहाँ पर इसकी अपोजिट एंट्रीज ऐसे हो जाती है। फिर आता है कि जब न्यूनतम किराए का प्रावधान हो परंतु लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं हो, मिनिमम रेंट का प्रावधान तो हो लेकिन शॉर्ट वर्किंग वसूल करने का अधिकार नहीं हो, मिनिमम रेंट तो लेगा वो, मिनिमम रेंट का तो प्रोविज़न हो गया लेकिन वो कहेंगे भाई शॉर्ट वर्किंग नहीं वसूल कर सकते आप, मान लो इन दोनों के ये तय हो गया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप सीधा सीधी एंट्री कर सकते हैं, जैसे ये रॉयल्टी होगी तो रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग लिखो तो अनरिक्यूबेबल होगा, अगर रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है MR मिनिमम रेंट, तो एंट्री तो यही होगी रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग जो होती है उसकी जगह लिख दो अनरिक्यूबेबल टू लैंडलॉर्ड, फिर लैंडलॉर्ड टू कैश पेमेंट कर दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूबल, क्योंकि ये तो रिक्यूब हो ही नहीं सकती, वसूल हो ही नहीं सकती, तो फिर ना इसको हाथों हाथ पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देंगे। इसी तरह इधर एंट्रीज हो जाएंगी इनकी उल्टी, लेकिन मैंने यहाँ पर ये येलो 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 में इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसको बिना शो किए हुए भी आप सिंपल एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को वसूल करने का अधिकार नहीं है, तो हम अल्टरनेटिव एंट्री कर सकते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड टू कैश, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, जैसा कि आपने सिंपल ये जो किया था ना पहले बिल्कुल वैसा वैसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड अगर आप शो करते हैं तो इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देंगे, करो यहाँ शो नहीं करेंगे तो ना पी एंड एल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस परिस्थिति में बिना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड अकाउंट खोले डायरेक्ट एंट्रीज भी की जा सकती है, इसीलिए मैंने इनको येलो येलो में शो किया हुआ है ताकि इनको बिना खाता खोले भी आप कर सकते हैं, खाता खोल के करेंगे तो अनरिक्यूब्ड है ये,
तो ये हो गया इसका जनरल एंट्री पूरी इस चैप्टर में, रॉयल्टी अकाउंट में जनरल एंट्रीज कैसे की जाएंगी। अब इसमें एक बात और आती है जनरल एंट्रीज के बारे में, ये मिनिमम रेंट के बारे में बाद में बताएंगे, बस ये जनरल एंट्रीज ये है और आपको मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके उसमें क्वेश्चंस में ये सारी एंट्रीज को आपको समझ में आ जाएंगी। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में।